आप सबको जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूं कि आज पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ, वो पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी के लिए एक शर्मिंदगी की दास्तान है। पिछले 2 तारीख से आप सब गवाह इस बात की कि विपक्ष ने सरकार से ये मांग करते आ रहे हैं, गुजारिश करते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की जो दंगा, जिस दंगे की चलते भयावह हिंसा, अंधाधुंध त्रासदी के शिकार सारे दिल्ली वासियों को और खासकर इसके साथ साथ हिंदुस्तान को देखने को मिला, इसमें हमारे देश की छवि धूमिल होते हैं, हमारी देश की आम लोगों की जान खतरे में रहते हैं, मजहबी दरार बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये देश की खातिर, हिंदुस्तान के आम लोगों की खातिर सदन के अंदर चर्चा हो। लोग हमें कहते हैं कि आप लोगों को नुमाइंदा करके भेजे हैं सदन में, आप दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। कल राहुल गांधी के नेतृत्व में हम सब गए थे, हमारे सारे बाकी एमपी वो भी गए थे, बहुत सारे जगह हम लोग कल विजिट किए हैं। आज भी मैं वही एक ही मांग कर रहे हैं, पिछले 2 तारीख से जो मांग करते आ रहे हैं, हमारा मांग एक ही है कि आप सदन चलाओ, जितने दिन तक आपका मर्जी चलाओ, जितना बिल आप पास कराने चाहते कराओ, हमें कोई इसमें लेना देना नहीं है। हम सब पे, सब चीज पे हम योगदान करेंगे, समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, लेकिन दिल्ली दंगा की बात सदन के अंदर चर्चा करने की मौका देना चाहिए। आज सुबह स्पीकर साहब हम लोगों की बुला के कहा कि कोरोना वायरस के बारे में सदन में सरकार एक स्टेटमेंट देना चाहते हैं, आप ये स्टेटमेंट और साथ साथ कोई सुझाव रहे तो आप दे सकते। तुरंत हम लोग इसमें राजी हुआ और जो कोरोना वायरस हिंदुस्तान के आम लोगों के लिए परेशानी की चीज होते जा रहे हैं, हम उस विषय पे सरकार को सही ढंग से बोलने का सहयोग किया, हमारी तरफ से सुझाव जो था हम सब सुझाव दिए। फिर जब सदन चलने लगे तो हम फिर हमारा पुराना मुद्दा कि सदन के अंदर हमें दिल्ली दंगा की बात रखने को मौका दो। सरकार की तरफ से सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को भारी भरकम गाली गलौज की दिया गया, लेकिन फिर भी हमारे प्राथमिकता था कि दिल्ली दंगा की चर्चा हो सदन के अंदर। सरकार तो कहे हैं हमें वादा किया है सरकार कि अगले 11 तारीख को हम चर्चा करने के लिए सोच रहे हैं, तो हमने कहा कि जब 11 तारीख को हो सकता है तो क्यों आगे क्यों नहीं, यही हमारा तर्क था और कुछ नहीं। पूरा सहयोग करते आ रहे हैं हम सदन से, लेकिन आज बदले की भावना सदन में भी हमको देखने को मिला। हमारे साथ साथ एमपी को एक साथ सारे सेशन के लिए सस्पेंशन की आदेश दे दिया, और वो भी एक चेयरमैन स्पीकर साहब नहीं आए, एक साथ 7 एमपी सारे सेशन के लिए सस्पेंशन। मतलब ये दिल्ली दंगा के बारे में हम चर्चा में कमजोर हो जाए, दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा करने में सरकार डरे हैं, और हमारा आवाज को रोध करने के लिए हमें इस तरीके की तानाशाही की एक निर्णय सरकार खुद लिया, ये फैसला सरकार खुद लिया, ये सरकारी फैसला है, ये स्पीकर साहब का फैसला नहीं है।
ये सरकारी फैसला होते हैं, सदन के अंदर क्या होगा ना होगा वो भी सरकार तय करते हैं। जो हम जानते हैं कि ये स्पीकर ये सर्वे सर्वा होते हैं, यहाँ के साथ साथ एमपीज को सारे सेशन के लिए निलंबित करना सही है कि नहीं, हिंदुस्तान के लोग जरूर कहेंगे। लेकिन हम किसी भी हालत पे डरने वाला इंसान नहीं हूं, हम डरने वाला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हूं। हमारा 7 MP को निलंबित करते हुए अगर वो सोचे कि दिल्ली दंगा के बारे में चर्चा हम रोक देंगे, हम किसी हालत में ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगले दिन हमारा ये जंग सरकार के खिलाफ जारी रहेंगे। हिंदुस्तान में दंगाई के खिलाफ ये सरकार की नाकामियां हम बार बार बोलते रहेंगे, सदन के अंदर सदन की बाहर। हमें डरा के धमका के हमारा बात रखने का गतिरोध कोई भी कर सकता है, लेकिन उनको कामयाब किसी हालत में हम करने नहीं देंगे। जी, आपने कहा कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को गाली गलौज किया गया, उल्टा पलटा बोला गया। एक सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच होनी चाहिए क्योंकि ये लोग इटली आते जाते रहते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं। हमारा दंगे की बात करते हैं ना, हम दंगे की बात करते हैं, सुना नहीं आपने? जो आरोप लगाया अब उनसे पूछिए क्यों आरोप लगाया। हमारा मांग ये है दिल्ली दंगा के बारे में सदन के अंदर चर्चा हो। सरकार क्यों डरते हैं? पिछले 2 तारीख से एक ही मांग करता है। हिंदुस्तान की कोई लोग कहे कि हमारा जो मांग वो मांग नजायज है, कहे ये जो सीएम टुडे यू आर अवेयर दैट मोस्ट ऑफ द लीडर्स दे आर ऑन द वे टू देयर नेटिव प्लेसेस बिकॉज टुमारो द हाउस इज शेड्यूल टू बी ओवर, बट वी विल बी टॉकिंग विद देम ओवर द फोन। एंड आई थिंक ऑल द ऑपोजिशन वी आर इन द सेम वॉइस। नन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज विल अलाउ दिस गवर्नमेंट हु आर हेलबेंट ऑफ थ्रॉटलिंग द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। नो, we won't budge from our own demand that Delhi riot issue has to be discussed inside the parliament. It is our legitimate right, it is our moral duty, and that is why we have been elected as a member of parliament. We have been elected by the people so as to raise the concern, apprehension of the common people of our country. Will you approach to the speaker for the suspension withdrawing? See, already before taking this decision, speaker is well aware of what is transpiring inside the house. For the last 2 days, speaker himself has been remaining absent from the house, and on more than couple of occasions I have personally approached and besieged the speaker that, sir, please occupy your chair, it is befitting, the chair is befitting for you only. Don't send the chairman or other officials, presiding officials, during the question hour. We have a very cordial relations with speaker, but we cannot let ourselves to be beggars. We have not committed any wrong by demanding the discussion on a very sensitive issue in our country. Yes, Delhi riot is a sensitive issue of our country. We have the right, it is our privilege, to raise this issue inside the parliament. That is why we have all been elected by the common people. So if government does not want to discharge our legitimate right, certainly the government will be recognized as an authoritarian regime. So what you will do tomorrow? Let it be manifested tomorrow. Thank you.